आप यह क्रीम लगा लो, आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, दाग धब्बे पिगमेंटेशन सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के एडवर्टाइज तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और इस्तेमाल भी किए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेचुरल तरीके से एक ऐसा ही फेस पैक बनाने के लिए जो इतना पावरफुल है, अगर आप इसे कंटिन्यू हफ्ता भर यूज़ कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जो चेहरे पर अमेजिंग चेंजेस आएगा। तो मेरे कहने पे जरूर एक बार इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिएगा और एक हफ्ता आप कंटिन्यू ट्राई करेंगे और देखेंगे आपका जो चेहरा है, आपके जो पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, बहुत हद तक वो लाइट हो जाएगा। 80% आपको रिजल्ट देगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और आप वापस आके मुझे कमेंट करेंगे कि वाकई में रेमेडी आपकी स्किन पर बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर हमें एक आलू ले लेना है, आलू को धुल के हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पर आलू का जूस चाहिए। आलू हमारी स्किन से दाग धब्बे को लाइट एंड ब्राइटन करता है, स्किन को, चेहरे की रंगत को निखारता है। अगर आंखों के आसपास आपके काले घेरे हो गए हैं तो उसे भी ये जड़ से खत्म कर देता है रेगुलर इस्तेमाल से। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें छन्नी में डाल लेना है और इसका हमें जूस निकाल लेना। आप चाहे तो मखमल के कपड़े से भी इसका जो जूस है वो दबा के इस तरह निकाल सकते हैं। तो हमें बस इसका जूस चाहिए। आप जिस तरीके से निकालें उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, चाहे ग्राइंड करके हो चाहे इसे कद्दूकस करके हो। तो यहाँ पर देखिए हमें आलू का जूस मिल गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे रोज वाटर 2 चम्मच, लगभग आलू का जो जूस जो है वो 3 चम्मच है और 2 चम्मच हमने यहाँ पर रोज़ वाटर डाल दिया है। अब यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट हमें ले लेना है लेमन। लेमन हमारी स्किन को लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग करने का काम करता है। लेमन में सैट्रिक एसिड होती है जो हमारे स्किन से जो काली परत होती है उसको निकाल देता है ये, और एक इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ये ब्लीच करता है नेचुरल तरीके से। अब यहाँ पर हमें तीसरा इंग्रेडिएंट ले लेना है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी। तो 1 चम्मच हम मुल्तानी मिट्टी लेंगे, क्योंकि जो ये जो पैक है ना इसको हमको एकदम टाइट और थिक नहीं रखना है, इसे हमें हल्का पतला ही रखना है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से ना मिक्स कर लेना है मुल्तानी मिट्टी। अभी गर्मियों का दिन आ गया है जो हमारी स्किन को ठंडक देता है, हमारे जो पोर्स में गंदगी जम गई होती है उसे भी ये निकाल देता है। अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये बहुत हद तक दूर कर देता है मुल्तानी मिट्टी। तो इसे हमें बहुत अच्छे से मतलब घोल लेना है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी ना मतलब थोड़ा सा चिपक से जाता है, तो उसे आप फिंगर की मदद से इस तरह से करके इसे हम अच्छे से पतला इस तरह से घोल लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने चेहरे को तो पहले तो क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रखी हूँ बट मेरा जो स्किन है वो बिल्कुल क्लीन है। अब ये जो पैक है इसे हम ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिंगर की मदद से भी इसे अपने पूरे फेस पे लगा के रख सकते हैं। जब ये पैक को हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे आपकी जो स्किन अगर ढीली पड़ गई है वो टाइट हो जाएगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं तो वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस पैक को बहुत अच्छे से लगा लेना है अपने पूरे फेस पे। जब ये पूरे फेस पे लग जाए तो हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई पैक लगाते हैं तो उसको हमें पूरा सूखने नहीं देना है, नहीं तो क्या होता है जो हमारी स्किन है ना वो खींचने लग जाती है। तो इस पैक को हमें सिर्फ 60-70% ही सूखने देना है। जब आपका जो पैक है 60-70% सूख जाए उसके बाद इसे हम रिमूव कर देंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे हमें रिमूव कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा पैक है वो 60-70% यहाँ पर सूख गया है और कुछ कुछ जगह पे आप देख रहे होंगे कि अभी भी गीला है। तो हमें इस तरह हाथों में पानी ले लेना है और अपने पूरे फेस पे पहले तो हम इसे लगा लेंगे, क्योंकि जो सूखा हुआ है ना तो सूखे सूखे हाथों से हमें मसाज नहीं करना है। इस तरह से आपको गीला करते हुए हाथ पूरी तरह से गीला होना चाहिए आपका। और जब हम इस पैक को लगाए थे तब हम अपने चेहरे पे मसाज नहीं दिए थे, तो जब हम रिमूव करेंगे उस टाइम पे हमें बहुत अच्छे से मसाज दे देना है। तो आपके जितने भी डेड स्किन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। अगर आपको रिंकल्स मतलब चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को गाइस एक बार आप जरूर ट्राई करें और मुझे आकर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसा लगा। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आ गया। अब इसे जब हम हफ्ता भर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही 80% आपको रिजल्ट देगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।